स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। चलो पंचायत अभियान का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक ने रखी मांग, गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोले सीएम, डिग्गी के शासन में लोग तौलिया बांधकर घूमते थे। अरुणा किरार ने मंच से कहा कि अब की बात कांग्रेस सरकार। अब खबरें विस्तार से। चलो पंचायत अभियान का हुआ शुभारंभ। सुबह की शुरुआत स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने तो समापन साय मुख्यमंत्री शिवराज ने किया। चलो पंचायत अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश की 22,500 पंचायतों में 14 मई को एक साथ की गई। इस आयोजन में प्रदेश भर के भाजपा नेताओं ने गांव-गांव जाकर प्रत्येक पंचायत के सभी गांवों में जाकर बूथ लेवल कमेटियों का गठन करवाया। यह आयोजन युवा मोर्चा की अगुवाई में हुआ, जिसमें सीनियर पार्टी नेताओं ने गांवों में जाकर नए चुने गए बूथ लेवलों के पदाधिकारियों को पार्टी की कार्यप्रणाली से अवगत कराया और उन्हें पुष्प हार पहनाकर सम्मानित किया। तो वहीं इन चुने गए कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता का स्वागत पुष्प मालाओं और श्रीफल से किया। हमने भी अपने कैमरे में कुछ ऐसे पलों को कैद किया है, जिनकी झलकियां देखकर आप भी कुछ प्रेरणा ले सकते। अभियान का शुभारंभ ग्वालियर की सभी पंचायतों में एक साथ किया गया, जिसमें पार्टी के नेता शामिल हुए। ग्राम लदवाया खेरवाया में इसकी शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह सेंगर ने निर्वाचित पदाधिकारियों को पुष्पहार पहनाकर। इस अवसर पर श्री सेंगर का भी स्थानीय लोगों द्वारा शानदार स्वागत व सम्मान किया गया। नमस्कार। और हमारे बीच आए हुए माननीय श्याम सिंह सेंगर जी, जो कि हमारे लीडर हैं। लीडर हमारे देश के लिए इस प्रकार से होते हैं, जैसे एक ड्राइवर नियंत्रण करता है एक किसी वाहन को, उस हिसाब से हम सभी जनता है। हमारा देश लोकतंत्र का है और लोकतंत्र के द्वारा हम इनको चुनते हैं और ये हमारे समाज को और हमारे देश को, हम सभी को बहुत आगे ले जाते हैं। तो हमें सभी को साथ देना होगा। मेरे बुजुर्गो, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मेरे मित्र रवि यादव साथियों, राजनीतिक जीवन में छोटी छोटी मीटिंगों का, इस मेल मिलाप का बड़ा महत्व रहता है। कांग्रेस में और भाजपा में जो इतना अंतर हो गया, 150 साल पुरानी पार्टी 40 सीटों पर सिमट के रह गई, उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी टाइम टाइम पर ऐसे कार्यक्रम बनाती रहती है, जिनके माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं और जनता की आवाज सुनकर अपने वरिष्ठों को बताते हैं कि गांव में पार्टी के प्रति लोगों का ये सोच है, पार्टी के प्रति लोग ये सोच रहे हैं, कांग्रेस के प्रति ये सोच रहे हैं, अन्य राजनीतिक दलों के प्रति ये सोच रहे हैं। तमाम सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जनकल्याण के लिए चला रखी है। निश्चित है कि उनके क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत कुछ व्यवधान और परेशानी आती है, तो स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो टाइम टाइम पर उनको ठीक करने का प्रयास भी करते हैं और उनमें सुधार भी होता है। आज पंचायत प्रवास का जो कार्यक्रम है वो इसी उद्देश्य को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाएं और गांव के लोगों की सुने और उनमें से जो निदान हो सकता हो उसको निदान कराने का प्रयास करें। अभी आप लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री का जो संदेश है, जो उन्होंने आपके लिए भेजा है, मैं उसको पढ़ के आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रिय बहनों और भाइयों नमस्कार। आज देश और प्रदेश दोनों में आपकी सरकार है। दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत का मान सम्मान शान पूरी दुनिया में बढ़ाया है।
आम जन गरीब और किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला रसोई योजना, हर घर बिजली, जनधन योजना, आम आदमी का बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अनेक योजनाएं जनता को की जिंदगी बदल रही है। प्रदेश सरकार ने जहां विकास की नई ऊंचाइयां दी हैं, वहीं पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल, घरों में भरपूर बिजली, सिंचाई की व्यवस्था, गांव और शहरों का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधार के साथ आमजन के कल्याण की कई योजनाएं चलाई हैं। बहनों और भाइयों को 1 रुपया किलो गेहूँ, चावल, नमक हमारी सरकार दे रही है। कांग्रेस की सरकार किसानों से कर्ज पर 18% ब्याज वसूलती थी, हमने 0% ब्याज पर कर्ज दिया है। किसानों को पिछले साल का समर्थन मूल्य पर बेचे गेहूं को 200 रुपए प्रति क्विंटल दिया और अब 10 जून को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 265 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान के खाते में फिर डाला जाएगा। प्राकृतिक आपदा में राहत राशि, फसल बीमा योजना का लाभ सहित अनेक सौगातें सरकार ने दी है। अभी मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना हमने बनाई है, जिसमें हर मजदूर को, गरीब को रहने की जमीन का पट्टा, क्रमशः पक्के मकान, मजदूर बहनें और बेटे की कोख में आने पर 6 महीने से 9 महीने के बीच 4,000 रुपए की राशि, बेटा बेटी को जन्म लेने पर 12,000 रुपए की राशि देने का फैसला किया है। गरीब मजदूर बेटा बेटियों को पहले से ही उच्च शिक्षा तक पढ़ाई की फीस हमारी सरकार भरने की योजना है। बीमार होने पर निःशुल्क इलाज, सस्ती बिजली, परिवार में 60 साल से कम उम्र में मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए देने का फैसला लिया गया है। मेघावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री मेघावी प्रोत्साहन योजना, बेटी और बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, दूसरे गाँव में स्कूल जाने के लिए साइकिल, गाँव की बेटी, मुख्यमंत्री कन्यादान, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन और साथ की नौकरी में भी बेटियों के लिए रिजर्वेशन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार आपके लिए, आम जन के लिए है, मेरी हर सांस आपके लिए चलती रहेगी और आपकी सेवा में मेरे लिए भगवान की पूजा है। मध्य प्रदेश विकास और जन कल्याण के काम में बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अभी और आगे ले जाना है, इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आइए मिलकर हम अपने प्रदेश को और अपने देश को दुनिया का सबसे अच्छा प्रदेश बनाए। आपका ही शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। लाभान्वित हुए होंगे, अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण अंचल तक नहीं आ पाती, कुछ योजनाएं जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और इनके दूरदर्शी परिणाम आते हैं, उनमें से कुछ को हमें अपनाना चाहिए। एक उदाहरण एक योजना का मैं दे रहा हूं, शायद यहाँ कुछ लोगों ने अपनाया होगा, नंदन सदस्या लगाया किसी ने, योजना है कि जो छोटा किसान है जिसके पास 10 बीघा का खाता है, उस खाते के लिए सरकार 1,70,000 रुपए उस किसान और गांव के सेक्रेटरी के नाम ज्वाइंट अकाउंट में दे देती है और 3 साल तक 1,70,000 रुपए वो खर्च किसान करता है सेक्रेटरी के माध्यम से। उसका उद्देश्य बगीचा लगाना है, बगीचा लग जाएगा तो किसान की जो आय है वो आज आय से ज्यादा हो जाएगी और 100% अनुदान की योजना है, उसमें शासन वापस कुछ नहीं मांगता, जो पैसा सरकार आपको देगी उसमें से वापस कुछ नहीं मांगेंगे। तो हमें जो है पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे काम करना चाहिए, जिसका आगे चल के सरकारों को लाभ मिलेगा, जब सरकार को लाभ मिलेगा तो वो लाभ लौट के हमारे पास ही आने वाला है। रोजाना जो हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की भयावह स्थिति बन रही है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है बराबर, और उनके माध्यम पेड़ों के माध्यम से ही हमें उस वातावरण को कंट्रोल करना है। दूसरा, जमीन का जो भूजल स्तर गिर रहा है, अभी सुबह रात के काम चल रहे होंगे और यहाँ उप सरपंच साहब बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में और इस गांव के आसपास यदि कोई तालाब बन सके तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोई नदी पे स्टॉप डैम बन सके, किसी नाले पे स्टॉप डैम बन सके, कहीं पानी जब हम ऊपर संचित करेंगे तब वो जमीन के माध्यम से नीचे जाएगा और हमारे बोर रिचार्ज होंगे। बाकी यहाँ आपने सुन जोते थे समय समय पे, उसकी अच्छी जुताई करते है, समय पे सूखा भी जुताई करते है, अच्छी देखभाल करते है, उसकी निराई गोड़ी भी करते है,
और हमको बड़ा लाभ आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत चलो अभियान के तहत हर पंचायत में एक ही समय एक ही दिन पूरे मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता गए, वहाँ पार्टी के भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आज यहाँ ग्राम पंचायत खैरवाया में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष माननीय श्याम सिंह जी सेंगर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। यहाँ इन्होंने युवा मोर्चा की टीम के जो 11 लोग हैं उनका सम्मान किया, उनके अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राणा जी का सम्मान किया और हमारे गाँव के ही रहने वाले अमर सिंह कुशवाहा जी जो कि उन्नत खेती करते हैं उनका भी सम्मान किया। जहाँ अभियान की शुरुआत स्थानीय नेताओं ने की तो वहीं संध्या वेला में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम बरेठा पहुंचकर इस कार्यक्रम का समापन किया। श्री चौहान ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि शहर में कार्यक्रम बहुत हो जाते थे, इस बार तय किया कि नहीं गांव में जाएंगे और आज बरेठा का कार्यक्रम बना है। मैं युवा मोर्चे को बधाई देना चाहता हूँ। युवा मोर्चा हमारे कागजी शेर नहीं है, मैदान पर काम करने वाले मेहनती कार्यकर्ता हैं। और आज सभी 22,800 पंचायतों में उन्होंने ऐसे नौजवानों की टीम खड़ी की है जिनके मन में देशभक्ति का जज्बा है, विकास की जिद है और जनता की सेवा का जुनून है। हमारी ये कार्यकर्ता पार्टी के नेताओं के मार्गदर्शन में पंचायत के संपूर्ण पंचायत की जनता के कल्याण के काम करेंगे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं मुख्यमंत्री हूं 13 साल से। कांग्रेस की तकलीफ यही है कि 13 साल से डटा है, हटे नहीं रहा और ये कई बार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज का मुख्यमंत्री होना ये केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं है, एक ललक एक तड़फ अपने प्रदेश को बनाने की मन में है और ये कैसे मेरे प्रदेश का विकास हो और कैसे जनता की दिक्कतें दूर करके उनका कल्याण करके अपनी जिंदगी को सार्थक करें, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। और गवाही भी भारत सिंह कह रहे थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, पिछली बार जब मैं आया था एक प्रमुख सड़क की बात हुई थी, बिहार से मोहनपुर से बिहार पर वो रोड स्वीकृत हो गई, लगभग 90 करोड़ बनाई गई, 140 करोड़ रुपए की। अब यहां से दूसरी सड़क बनने वाली उसकी लागत 90 करोड़ रुपए, उसका भी काम शुरू हो रहा है। अब जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, अकेले इस विधानसभा में 400 किलोमीटर सड़कें मैंने बनाई है अकेले ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। जरा दिमाग पर जोर डालना, जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक, तब बताओ ऐसी सड़कें बनी थी क्या? अरे बोल के बताओ भैया, तो बनी थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढम गड्ढा, पता ही नहीं चलता था, कई गांव में जा नहीं सकते थे बरसात में। और हालत यह थी कि फसल अगर कट जाए तो सड़क पर नहीं चलते थे लोग, खेतों में गाड़ी दौड़ाते थे क्योंकि सड़क चलने के लायक ही नहीं रहती थी। और उस समय के मुख्यमंत्री से अगर कोई सड़क मांगता था तो खींची खींची करके हंस देते थे, कहते तनख्वाह बांटेंगे तो लाले पड़ेगा तो सड़क बन। यह सच्चाई है कि नहीं आप बता रहे? सड़कों का आता पता नहीं था, हमने जाल बिछाया। अच्छा ईमानदारी से बताना एक बार, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि पुराना जमाना कैसा था, जिनकी उम्र अभी 14-15-16 साल है उनको पता ही नहीं है, लेकिन बताओ बरेठा वालों उस समय बिजली कितने घंटा मिलती थी? अरे बड़ों को पता होगा कितने घंटे मिलती थी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, आती कम थी जाती ज्यादा थी, बिजली पकाते ही पता नहीं था। गर्मी के दिनों में घर में अंदर नहीं सोते थे, चड्डी बनियान पर टावल लपेट के सड़कों को घूमना पड़ता था, रात काटनी पड़ती थी, मच्छर अलग खाते थे।
बताओ सच्चाई है कि नहीं है। आज पिछले 5 साल पहले जब मैंने कहा कि अब मध्य प्रदेश के गांव में भी 24 घंटे बिजली दूंगा तो मेरा कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया, हो ही नहीं सकता, वैसे वैसे कह रहा है, चुनावी सुतंगा है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही? उनके जमाने में मध्य प्रदेश अंधेरा था, कुल 2900 मेगावाट बिजली मिलती थी मध्य प्रदेश को, 2900 मेगावाट थी, हमने उत्पादन बढ़ा के कर दिया 18,800 मेगावाट, मध्य प्रदेश में अंधेरा नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, लेकिन 10 जून से मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 265 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान अलग से करेगी। कार्यक्रम के मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बालाजी धाम मंदिर में पूजा की। भाजपा ग्रामीण महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष अरुणा किरान ने कार्यक्रम के मंच से कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाओ, लेकिन जब कार्यक्रम में मौजूद लोग हंसने लगे तो उन्हें अपनी बात में सुधार करते हुए कहा कि मेरा मतलब है साइकिल या मोटरसाइकिल सब अभी से जुट जाओ और भाजपा की सरकार बनाओ। 2003 में सत्ता परिवर्तन से पहले तक लोग हाथ में तौलिया लगाकर घूमते घूमते समय बिताते थे, बिजली मिलती कम थी, गायब ज्यादा रहती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने 15 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उपलब्धता 18,800 मेगावाट कर ली, जो कांग्रेस के वक्त सिर्फ 2900 मेगावाट थी। महाराष्ट्र के पास स्थित बरेठा गाँव में आयोजित चलो पंचायत अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि उनसे जब लोग सड़क बिजली और पानी के लिए पैसा मांगते थे तो वे चीखी कर हंसते थे और बोलते थे कि सैनिक को पैसे नहीं, इतने काम कहाँ से करूँ। उन्होंने उस वक्त की कांग्रेस सरकार को कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज कहते हुए संबोधित किया। कई बार 2003 से पहले की कांग्रेस सरकार की याद लोगों को दिलाई। कार्यक्रम में हाजियुमो के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि चलो पंचायत कार्यक्रम के तहत आज सुबह से रात तक भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच है और हमने आज इस अभियान के जरिए 3,21,000 से ज्यादा नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक भारत सिंह कुशवाहा ने मांग रखी कि बरेठा गांव के लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी के लिए बेहतर। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक भारत सिंह कुशवाहा ने मांग रखी कि बरेठा गांव में लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी के लिए बरेठा केनाल से चंदूपुर बरेठा के लिए छोटी नहर बनवाई जाए। साथ ही इस क्षेत्र से गुजरने वाली सांप नदी पर 3 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम बनाने की और बरेठा योजना में शामिल करने की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तीनों कार्यों को कराए जाने की घोषणा कर दी। साथ ही बरेठा से किलोमीटर की लंबी सड़क के निर्माण का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का वर्तमान में मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास पुरुष के नाम पर विकास का पर्याय बनकर मध्य प्रदेश की धरती पर उभरे, ऐसे सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी यहां विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।